हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी चिकन फ्राई की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया है, ये ब्रेस्ट का पीस है, बोनलेस चिकन, ये आधा किलो चिकन है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसे कुटी हुई लाल मिर्च भी बोलते हैं, आप इसे घर में भी इजी से सूखी वाली लाल मिर्च को मोटा मोटा पीस सकते हैं। और नमक इसमें टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और ये टिक्का मसाला है, ये अगर ऐड कीजिएगा तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये कोई भी कंपनी का आप मार्केट में इजी से मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर 3 चम्मच ले रही हूँ और 2 चम्मच मैं यहाँ पर एकदम गाढ़ा दही ले रही हूँ और 1 चम्मच ले रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसमें हम 1 चम्मच सिरका डाले हैं, या इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से चिकन में लग जाए। इससे चिकन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए, इसे हमने मैरिनेट कर लिया है कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे के लिए आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे 3 छोटा चम्मच तेल यहाँ पर हमने लिए हैं और इसे हमें गर्म करना है अच्छी तरीके से। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये चिकन और इसे हमें अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छी तरीके से पका लेना है। कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड, रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देखिए, तैयार है आपका चिकन।